देखिए दोस्त, प्रोटीन मेरे दो प्रकार के हैं। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह प्रोटीन के भी दो कंपोनेंट है, एक है आपका फाइबरस प्रोटीन, एक है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। देखिए दोस्त, फाइबरस प्रोटीन के पास लंबा धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन के पास गोलाकार शेप होता है। फाइबरस प्रोटीन के पास हेलिकल और सीट स्ट्रक्चर होता है, और ग्लोबुलर प्रोटीन के पास फोल्डेड बोलाई का स्ट्रक्चर होता है। फाइब्रस प्रोटीन आपका पानी में अघुलनशील होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में घुलनशील होता है। फाइब्रस प्रोटीन के पास मजबूत इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन मोड़ पाया जाता है, और ग्लोबुलर प्रोटीन के पास कमजोर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन मोड़ पाया जाता है। देखिए दोस्त, दो मॉलिक्यूल के बीच बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल हो गए दोस्त केराटिन, मायोसिन, फिब्रिन और कोलाजेन, और आपका आपका फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल हो क्या, एंजाइम्स, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, अल्बुमिन। तो देखिए दोस्त, केराटिन हम लोग जानते हैं बाल में पाया जाता है, मायोसिन मसल्स में पाया जाता है, अब फेब्रिन ये हो गया आपको दोस्त ब्लड को क्लोट करने में मदद करता है आपका फेब्रिन। एंजाइम, एंजाइम दोस्त बॉडी में जो भी रेस्पिरेशन, श्वास लेने की क्रिया, खाना पचाने की क्रिया हो, डाइजेशन प्रोसेस हो, चाहे रेस्पिरेशन प्रोसेस हो, वह हमारे एंजाइम की मदद से होता है। इंसुलिन हो गया दोस्त, जिसके बॉडी में इंसुलिन का कमी होता है वो इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन लेता है। हीमोग्लोबिन का सिंबल हो गया आपका दोस्त HB, और ये हो गया आपका एल्बुमिन। तीसरा दोस्त ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, फुल HD क्या हो गया, खत्म।